स्कूल को लेकर तेलोडी पंचायतवासी गोलबंद, कहा स्कूल नहीं तो वोट नहीं। हेमंत हाफिजुल, सुदीप सोनू एवं कल्पना सोरेन को ग्रामीणों ने चुनाव को लेकर दिया कड़ी अल्टीमेटम। मामला गांडे विधानसभा क्षेत्र के सदर प्रखंड गिरिडीह तेलोडी पंचायत की है, जहां गठबंधन सरकार के प्रति पंचायतवासियों में काफी ज्यादा आक्रोश देखी जा रही है। ग्रामीण सड़क से लेकर सदन तक आक्रोश प्रदर्शन करने के मूड में जग नजर आ रहे हैं। दरअसल मामला तेलोडी पंचायत में मिडिल स्कूल को हाई स्कूल के रूप में अपग्रेड करने का है। यहाँ के आसपास घनी आबादी बहुल इलाका मुस्लिम समुदाय की मानी जाती है, जिसके बावजूद एक भी हाई स्कूल न रहने से छात्रों को पठन पाठन में काफी परेशानी हो रही है। इसका मामला सोशल वेलफेयर कमेटी की ओर से लगभग 5 वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन गठबंधन सरकार की कान में जू तक नहीं रेंग रही। सोशल वेलफेयर के अध्यक्ष मोहम्मद इस्लाम अंसारी ने कहा कि सरकार में हेमंत सोरेन, पूर्व विधायक गांडे डॉक्टर सरफराज अहमद, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, वर्तमान गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन और अपने आप को गिरिडीह के मुख्यमंत्री बताने वाले झारखंड सरकार के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा आश्वासन ही आश्वासन दी जा रही है, लेकिन स्कूल का काम जस का तस पड़ा है। पूर्व के उपचुनाव में मुख्यमंत्री की पत्नी कल्पना सोरेन एवं सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू तथा मंत्री हफीजुल हसन अंसारी तेलोडी पहुंचकर ग्रामीणों के बीच उपचुनाव के 2 महीने के अंदर मिडिल स्कूल को अपग्रेड करने का वादा किया है, लेकिन अभी तक 6 माह होने को है एवं पुनः विधानसभा चुनाव होने को है, लेकिन यहां की समस्या का निदान नहीं हो पा रही है। इससे महागठबंधन सरकार का मुस्लिम समुदाय के प्रति सौतेला व्यवहार साफ झलकती है। आगे उन्होंने कहा कि जो भी इस सरकार की कार्यकाल बची हुई है उसमें अगर स्कूल की मांग पूरी नहीं होती है तो यहाँ की जनता पार्टी का बहिष्कार करने से लेकर जगह जगह मुस्लिम समुदाय में जा जाकर मुस्लिमों के प्रति सरकार की रवैये को उजागर कर विरोध प्रदर्शन करने का काम करेगी। इस बैठक में मुख्य रूप से मोहम्मद इस्लाम, रिजवान आलम उर्फ पप्पू, मोहम्मद सबा, अब्दुल कुद्दूस, मोहम्मद निसार, मोहम्मद शमसाद, मोहम्मद छोटू, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद इलियास, मोहम्मद अशफाक, मोहम्मद जमीरुद्दीन, मोहम्मद मुमताज, मोहम्मद कयूम, मोहम्मद राशिद सहित सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित रहे। मिडिल स्कूल तेलोडी गिरिडीह को हाई स्कूल कराने के बाबत में ये मीटिंग रखी गई और आज लगभग हम समझ रहे हैं कि 5 साल से ये मांग रखा जा रहा है, लेकिन आज तक के ये स्कूल नहीं हुआ है। और अगर हाल ही में जो उपचुनाव हुआ जिसमें के बड़े बड़े नेता आए, मंत्री आए, विधायक आए, जिला अध्यक्ष आए और सबों ने एक ही सुर में बोला था कि 2 महीना के अंदर अंदर आपका हाई स्कूल अपग्रेड हो जाएगा और अगला सेशन से आपका और स्कूल का जो दाखला जो होता है और तालीमी मैंने होने का वो चालू हो जाएगा। लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि ये सिर्फ हम लोगों का वोट के चलते झूठा आश्वासन दे करके वोट लिया जा रहा है और हम लोगों का होगा या नहीं होगा ये भी आप भरोसा नहीं लग रहा है, क्योंकि 2 मरतबे हम लोग भरोसा कर चुके और इस विधानसभा में हम 2 मरतबे 2 विधायक को चुने हैं और हम इसलिए कल्पना मैडम को वोट दिए थे कि ये मुख्यमंत्री की पत्नी है, ये आधा मुख्यमंत्री है। लेकिन अब हमको समझ में आ रहा है कि ये भी वही ढर्रा जो और दिगर नेता लोग इलेक्शन के टाइम में वादा मुआहिदा करता है ये उसी ढर्रे पर चल रही। अगर मेरा हाई स्कूल अगर कैबिनेट आखिरी जो आने वाला है अगर उसमें नहीं अगर मेरा हाई स्कूल पास हुआ और संकल्प साथ साथ कैबिनेट से पास होने के साथ साथ संकल्प पत्र भी उनको जारी कर देना होगा। ऐसा नहीं कि कैबिनेट में पास कर दे और फिर ये सर्द खाना में रह जाए। जिस तरह से मैया सम्मान योजना का मुख्यमंत्री अपना घोषणा किए फिर उसको कैबिनेट में लाए, उसका संकल्प पेपर भी साथ साथ लगा दिए, उसी तरह से तेलोडी का जो स्कूल है वो मैंने संकल्प के साथ आना चाहिए कि हम लोगों को एक विश्वास हो जाए कि अब मेरा हाई स्कूल हो गया। और अगर नहीं हुआ तो हम लोग जितने भी गठबंधन का मैंने साथी है वो सारा इस्तीफा देंगे और इसका पुरजोर
बायकॉट करेंगे और एक वोट एक सभा भी नहीं होने देंगे। और उसके बाद 5 तारीख के बाद हम लोग एक बड़ा सभा जन सभा करने जा रहे हैं, जिसमें के तेलोडी पंचायत और दीगर 15 पंचायत और आपका गांडे और बेंगाबाद के लाइन से भी हम लोग जुड़ेंगे और उनको इस सरकार का कार्यकाल का जो काम करने का और मुस्लिम खास करके मुस्लिम समाज का जो ये काम कर रही है ये भी बताने का काम करेंगे। और ये प्रभाव आपका ये गिरिडीह विधानसभा में पड़ने भी जा रहा है, क्योंकि हमारा समाज वहाँ भी रहता है और भी दीगर समाज को जोड़ने का भी काम करेंगे। इन्हीं बातों से मैं अपना बात खत्म कर। आज सोशल वेलफेयर कमेटी के संपन्न बैठक में असल में मुद्दा हम लोग को अपना स्कूल को अपग्रेड कराना था हाई स्कूल में, जिसका वादा मुआदा हो गया था इस सरकार से, लेकिन मौजूदा सरकार हम लोग को धोखा देने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग आज मोटो लेके बैठे हुए थे कि इसके बाबत एक ठोस कदम उठाएंगे और हम लोगों ने अपने अंदर एक ठोस कदम उठा लिया है। जैसा कि सूत्रों के मुताबिक पता चल रहा है कि 4 तारीख को हो सकता है आचार संहिता से पहले एक कैबिनेट की बैठक हो सकती है। अगर इस कैबिनेट की बैठक में हमारा स्कूल अपग्रेड हो जाता है तो फिर ठीक है, और अगर नहीं होता है तो इसके लिए हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार या फिर गठबंधन सरकार के खिलाफ हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और उसके साथ भी नहीं देंगे। आज सोशल वेलफेयर कमेटी के बैनर तले एक बैठक की गई है 29/9/2024 को, और इस बैठक का खास मकसद ये था कि मतलब तेलोडी में जो मिडिल स्कूल है उसको हाई स्कूल में तब्दील करने की मतलब मांग की गई थी। और इस बार इलेक्शन से पहले जिस तरह से आश्वासन दिया गया और जिस तरह से मतलब वादा मुआहदा किया गया कि शायद हम लोग कभी सोच नहीं सकते हैं कि मतलब ये वादा मुआहदा सारे मंत्री विधायक और जिला अध्यक्ष आके जैसे वादा मुआहदा किए थे और हम लोग जिस तरह से टूट के निस्वार्थ वोट देने का काम किए और वोट दिए भी इस उम्मीद से कि हमारा तेलोडी में अब मतलब शिक्षा का जो परेशानी है हाई स्कूल नहीं है ये पूरा हो जाए, मगर शायद वो इलेक्शन के बाद दूसरी इलेक्शन आने वाला है और अभी तक ना ही उसके बारे में ABCD बोला जा रहा है जबकि Z तक काम है। तो समझिए कि यहाँ के लोगों में काफ़ी गुस्सा है और आक्रोशित है। अगर मगर ऐसा सुनने में आया कि आखिरी 4 तारीख को कैबिनेट बैठने वाला है, अगर इसमें हमारा हाई स्कूल अगर प्रमोट न होता है तो यहाँ के आवाम और आसपास के जो इलाका है इनका गुस्सा का सामना पार्टी को उठाना होगा और हम लोग फुल उसका बहिष्कार करेंगे। अगर स्कूल नहीं तो वोट नहीं, चाहे वो इंडिया गठबंधन हो JMM हो, हम लोग अपना जो मन करेगा वो करेंगे, आगे का निर्णय आप पार्टी करे। जिस तरह से आश्वासन दिए हम लोगों को उस पर हम खड़े उतरे हैं, सरकार बिल्कुल इससे मतलब पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। और अगर नहीं हुआ तो अब वक्त आने पर बताएंगे और हम अपनी बातों को यहीं पर समाप्त कर